यहाँ पे आपको अपनी जो साइकोलॉजी है, जो ना जो साइकोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं प्री कंसीव्ड आइडियाज, प्री कंसीव्ड का मतलब होता है कि जैसा हमारा भूतकाल है वैसा हम आगे भविष्य के बारे में कल्पना करते हैं, जैसा हमारे साथ व्यतीत हो रहा है हम वैसा आगे सोचते हैं। अब मान लीजिए अगर हमारा बिजनेस पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कोई बड़ा जंप नहीं कर पाया तो हम आगे बहुत बड़े जंप के बारे में सोचते नहीं है, हमें क्या लगता है यार ये बहुत चमत्कार नहीं हो सकता, और इस सोच को ही आपने ब्रेक करना, इसको तोड़ना आपने। चमत्कार ही होगा, टारगेट पे काम करने वालों का बिजनेस तो कमाल बढ़ता है, और ये जो बदलाव है अगर आपने कर लिया तो जीवन बदल जाता है। यानी आपकी जो नॉर्मल लाइफ है जहाँ पे आम आदमी नॉर्मल जिंदगी जीता है, तो नॉर्मल लाइफ एक आदमी ठीक ठाक से घर में रहता है, एक मोटरसाइकिल और कार के बीच में उसकी जीवन शैली चलती रहती है, घर में ठीक ठाक से सामान होते हैं, लेकिन जैसे टेक्निकल वाली दुनिया में जाता है उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। मतलब टेक्निकल, और टेक्निकल तभी जा पाता है जब कोई व्यक्ति फिल्टर है, फिर जो एक आदमी बिल्कुल जो एक सही काम करना जानता है, टीम को सही संभालना जानता है, सही मैनेजमेंट जानता है, वो टेक्निकल जाता है। और जब टेक्निकल जाता है तो उसके बाद उसके पूरे बिजनेस में ग्रोथ का रेशियो बढ़ जाता है। देखिए अगर मैं एज ए सीनियर आपके साथ एक बात करूं तो जो लोग टेक्निकल जाते हैं उनका बिजनेस सबसे ज्यादा मेंटेन रहता है, मतलब पर्ल और ऊपर जाने के बाद आपका बिजनेस सबसे ज्यादा मेंटेन रहता है, क्योंकि आपकी नीचे टीम इतनी बड़ी हो जाती है उसमें से कुछ लोग काम करते हैं कुछ नहीं करते, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रॉयल्टी पे आते हैं तो रॉयल्टी में थोड़ा आने जाना रहता है, कभी रॉयल्टी आगे कभी नहीं आई, कभी आगे कभी नहीं आई, तो थोड़ा झटका लगता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस स्थायी हो जाए और बराबर मेंटेन करके आपकी टीम बड़ी हो जाती है, तो आपको ये करना है उसमें आपके अंदर जितनी शक्ति है सब लगा दीजिए। बिल्कुल आप एक एक घंटे को पूरा अपनी टीम की पूरी प्लानिंग काउंसलिंग और हर चीज पे लगाइए, एक भी व्यक्ति का आपका बिजनेस लेवल छूटना नहीं चाहिए।